रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर के गांधी चौक पर प्राकृतिक आपदाओं से जानमाल के नुकसान तथा खतरों से सुरक्षा के लिए अग्निशमन विभाग द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसका मकसद अधिक से अधिक लोगों को घरों में आगजनी की घटना से कैसे सुरक्षित रहना जाए इसके बारे में समझाया जाए। बकायदा गांधी चौक पर फायर कर्मियों द्वारा मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को जानकारी दी गई। हमीरपुर के गांधी चौक पर प्राकृतिक आपदाओं से जान माल के नुकसान व खतरों से सुरक्षा के लिए अग्निशमन विभाग द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसका मकसद अधिक से अधिक लोगों को घरों में आगजनी की घटना से कैसे सुरक्षा की जा सके इसके लिए बकायदा गांधी चौक पर फायर कर्मियों ने मॉक ड्रिल के माध्यम से जानकारी दी। आपको बता दें कि प्राकृतिक आपदाओं से जान माल के नुकसान और बचाव के लिए गत 14 से 20 अप्रैल तक ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जगह जगह पर आग से बचाव के लिए उपाय बताए जा रहे हैं। फायर अधिकारी रविंद्र चौधरी और कमांडेंट एसके कोंडल ने कहा कि फायर सर्विस के बारे में जनता को जानकारी हो, इसी उद्देश्य से गांधी चौक पर मॉक ड्रिल के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि आपदा आने पर किस तरह से लोग अपना बचाव कर सकें इसकी जानकारी दी जा रही है। 1944 को बॉम्बे में एक फोर्ट स्थिति में सूर्य जहाज में आग लगी थी, जिसमें कि भारी मात्रा में गोला बारूद रूई इत्यादि था भरा हुआ था। उसमें अचानक आग लगने के कारण उसमें उस आग को बुझाते थे हमारे 66 फायरमैन जो थे वो शहीद हो गए थे। इसके अतिरिक्त कुछ सिविलियन भी निर्माण 336 आदमी जो थे वो भी उसमें मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो भविष्य में इस तरह की कोई किसी भी तरह की कोई ऐसी अग्नि दुर्घटना ना हो जिसमें हमारे को जान से ज्यादा से ज्यादा जान माल का नुकसान हो, इस करके एफ आई डी भी बनाया जाता है कि भविष्य में किसी भी तरह की कोई अग्नि दुर्घटना होती है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कैसे इसको कम किया जा सकता है। इन्हीं सिर्फ इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि ये एक टाइम है जहाँ पर जो हमारे फायर सर्विस के दौरान जो भी हमारे जवान शहीद होते हैं उनको हम श्रद्धांजलि दें, उनको याद करें, उनके परिवारजनों को हम लोग याद करें। और इतनी बड़ी जो आगजनी की घटना जो साहब ने बताई गई हुई थी उससे लड़ने के लिए हम लोग तैयार रहें ताकि हम लोग उसको भूले नहीं। एक अच्छे वक्त के साथ साथ हमारे को बुरे वक्त को भी याद रखना पड़ता है और हमेशा बुरे वक्त को के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है। उस करके फिर एग्जीबिशन को हमारे को लगाना जरूरी था, उसके बाद हमने स्टार्ट किया है। 14 को भी हमने जो अपने लेवल के ऊपर ये जो फायर सर्विस भी हमने स्टार्ट कर दिया था। वी वांटेड कि पब्लिक हो यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ। तो सर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य ये है कि पब्लिक को पता होना चाहिए कि जो फायर सर्विस जो है वो उनके लिए है, उनके साथ मिलके काम करना है। अकेले अगर भी हम लोग चाहेंगे कि फायर सर्विस को कंट्रोल करें, हम अकेले नहीं कर सकते हैं, उस समय पब्लिक का साथ चाहिए। और सबसे बड़ा जो पॉइंट ये है कि आग से जो डर लगता है लोगों को वो दूर करना है। और उनको ये चीज़ समझानी है कि आग लगने के बाद जो कार्रवाई करनी है उससे पहले क्यों नहीं हम आग की रोकथाम करें, मेन उद्देश्य उसका ये है। मेन अवेयरनेस पब्लिक को ये लानी थी, हमारा जो मेन उद्देश्य यहाँ लगाने का, लोगों को फ्रेंडली बनाने का। और ये टीम जो है मतलब आपके लिए है, बेसिकली आपकी अपनी टीम है, हम लोग उनके हैं, उनके साथ हैं।